दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंह धोली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम आकाश सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिंगोली। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके होम थिएटर का ये वॉल्यूम कंट्रोलर खराब हो गया है, या आपके बेस का अलग कंट्रोलर खराब हो गया है, या ट्रिबल कंट्रोलर खराब हो गया है, तो आप कैसे सेटिस्फाई होगा, कैसे चेक करोगे कि ये सही है कि ये खराब है। तो दोस्तों एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि आप सॉन्ग प्ले करो, और सॉन्ग प्ले करने के साथ ही आप डायरेक्टली इसे चेक कर सकते हो, इसे शॉर्ट करा करके। दोस्तों ये बिल्कुल ये एक तरह से स्विच है, और स्विच को ऐसे आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, सब से भी आप शॉर्ट करा करके आप चेक कर सकते हो कि वो आपका रेगुलेटर से फॉल्ट आ रही है कि कहाँ से फॉल्टी आ रही है, या फिर आपका रेगुलेटर खराब हो और आप इसे चेंज करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जैसे कि मैं हूँ, मेरे कोई यूज नहीं आता है रेगुलेटर इसका, वॉल्यूम कंट्रोल करने के कोई यूज नहीं आता, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कंट्रोल करता हूँ पूरा साउंड इसके। तो एक बार सेट हो गया तो काफी, मुझे बार बार इसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका कपड़ा जो है उतार लेना है, ये सिर्फ कपड़ा उतर गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये ऐसा दिखेगा आपको, मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा आपको दिखेगा, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कई सारे पिन हैं, ठीक है। ये एक पट्टा है, ये मोटे वाले, इसमें देखोगे एक ब्लैक है, एक ऑरेंज है, एक व्हाइट है, और एक ग्रे टाइप में है, और एक ये पावर का, ये एलईडी का है, ठीक है। ये एलईडी के वायर है, दो दो सिर्फ दो वायर आए हैं, ये एलईडी के है। अभी आप शॉर्ट कैसे करा कर चेक करोगे, देखो दोस्तों आपको करना ये है कि आपको इस तरह के चिमटा लेना है, ठीक है। या तो आप चिमटा का यूज करो, या तो फिर आप कोई वायर का यूज करो, आप वायर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ शॉर्ट कराना है। तो देखो मैं थोड़ा पास से आपको दिखाना चाहूंगा यार दोस्तों, ठीक है। देखोगे तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग किया हूँ, इन दो वायर को मैं सोल्डरिंग किया हूँ, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट, मैं ये खराब है कंट्रोलर, इसलिए मैं शॉर्ट करा करके यूज कर रहा हूँ ये कंट्रोलर। यानी ये है हमारा, ये पहला वाला है, ये मास्टर वॉल्यूम का, ठीक है। ये मास्टर वॉल्यूम को देखो मैं कम करूं या तेज करूं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मेरा मास्टर वॉल्यूम है, ये मैं इसे शॉर्ट करा के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये साउंड हमारा लो या हाई नहीं होगा इसको यूज करने से। अब ये बेस है, देखो बेस काम कर रहा है, ठीक है, बेस काम कर रहा है। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे बेस को, कैसे शॉर्ट कराएंगे, अभी मैं बेस को ऑफ कर दिया हूँ। तो बेस को देखोगे दोस्तों शॉर्ट कराने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखोगे यहाँ पे तीन वायर है, ठीक है, 1 2 3। तो थ्री वायर में क्या है कि आपका दो वैसा है, देखो ये नेगेटिव है बीच वाला, ठीक है। तो आपको एक बार इन दोनों को शॉर्ट कराना होगा, और एक बार इन दोनों को शॉर्ट कराना होगा। इसमें आपको बेस आएगा, आपको उसे वहां पे सोल्डरिंग कर दो, या तो फिर उन दोनों वायर को जोड़ दो। तो आपको देखो क्या है, ऐसे ये है, एक ये है, अभी बेस बज नहीं रहा है, हाँ अभी सॉन्ग आगे बढ़ा, ठीक है। तो मैं एक बार इन दोनों को शॉर्ट कराऊंगा, नहीं आया, दोनों को शॉर्ट कराइए, नहीं आया, नहीं आया, दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे ना, आपको क्या करना होगा, आपको इन वायर को निकालना होगा। तो बिना निकाले आप शॉर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपका है, तो कोई इन दोनों को शॉर्ट कराने पर साउंड खत्म हो जा रही है, इन दोनों को कराने पर भी खत्म हो जा रही है। तो ये बेसिकली ये दोनों वायर को आप शॉर्ट कराएंगे तो आपका साउंड जो है, ये आपका बेस जो है, बेस काम करने लगेगा। हालांकि जहां तक कि मुझे लग रहा है कि आपको शॉर्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं काम करता हूँ, मैं पहले से खोल के बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्लियर मैं आपको बताता हूँ आपको। हाँ तो मैं अभी इसे बाहर निकाल लिया हूँ दोस्तों। तो अभी देखोगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आप देखोगे 6 पिन वाले हैं, 3 3 6,
ये 6 पिन वाली जो है ये आपका मास्टर वॉल्यूम का है, ये आपको मेन वॉल्यूम आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। और बाकी जो ये 3 पिन वाले हैं ये बेस के लिए है। तो इसको काम करने का प्रिंसिपल ये है कि बीच वाले से अगर अगर हम डाउन करेंगे, अगर हम इसे डाउन करेंगे इसको, तो ये बीच वाला जो है ये इधर फुल कर देगा और बढ़ाएंगे इधर फुल कर देगा। तो आपको अगर चेक करना है तो इसे आपको सेंटर में रखना होगा, तभी आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों को शॉर्ट कराने पे बेस नहीं आ रहा है और इन दोनों को कराने पे बेस आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसे आप बेस, अगर आपके में प्रॉब्लम आ रही है बेस का और आपको डाउट है कि आपका रेगुलेटर खराब है, तो आप इसे शॉर्ट करा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को कराने पे साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो ये भी 6 पिन वाला है, ठीक है। तो 6 पिन का मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कैसे शॉर्ट करना है, लास्ट का जो 2 है उन दोनों को शॉर्ट आपको करना है, यानी कि इन दोनों को आपको शॉर्ट कर देना है। और अगर इन दोनों को शॉर्ट करें तो आपको साउंड नहीं आया ना, आपको ट्रेबल अगर नहीं बढ़ा, तो आप बाकी पिनों को इस तरह से शॉर्ट करा के आप चेक कर सकते हो कि किस पे बेटर साउंड आ रहा है। जिस पे आपका बेटर ट्रेबल आएगा उस पे आप उसको सोल्डरिंग कर दो, ठीक है। क्योंकि ये मेरा भी सही है इसलिए मैं इसे चेक नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे शॉर्ट करा नहीं सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो अभी मैं इसे ट्रेबल में खत्म कर दिया हूँ, अभी मैं चेक करते हैं, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे भी अच्छा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ट्रेवल करा करके इसे शॉर्ट करा करके आपको चेक करना होगा, क्योंकि हर एक होम थिएटर का अलग अलग होता है। ये मेरा अलग वर्जन का है तो इसमें आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो साउंड के लिए, ऐसे ही आप अलग अलग है तो आप अलग अलग आपको शॉर्ट करा करके आपको चेक करना होगा कि इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है और उसी पे सोल्डरिंग आपको कर देना होगा। मेरा जो होम थिएटर है मैं आपको बताया तो मेरा कौन सा मॉडल है, और ऐसे ही आप सारे हर एक होम थिएटर का अलग अलग होता है। देखो मेरा 2600W का है, ठीक है, 2600W, ये मेरा मॉडल है। तो आप अपने होम थिएटर का भी ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों, आपको थोड़ा शॉर्ट कराना होगा और शॉर्ट करा के आपको चेक करना होगा कि किस पिन पे आपका साउंड बेटर आ रहा है और उन पिन को आपको सोल्डरिंग करना होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रेबल आपका ये एक जो रेगुलेटर है कंट्रोल करने वाला साउंड, अगर आपका वो सही होगा दोस्तों तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई साउंड पे आपका इफेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसे करने से कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको अगर आपको खराब रहेगा तो ही आप शॉर्ट कराने पे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ आपका ये शॉर्ट कराने पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है दोस्तों, इस तरह से इसका फंक्शन थोड़ा काम करता है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। अभी ये हमारा पैक हो गया, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। हम कल से मिलेंगे आपको कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। सो बाय फ्रेंड्स।